भागलपुर के नवगछिया रंगरा के झल्लूदास टोला की जिस 15 वर्षीय लड़की की हत्या के आरोप में पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी, वह एक सप्ताह पहले अपने घर लौट आई है। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वह गांव पहुंची और पीड़िता को थाने लाकर पूछताछ की। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि 9 जुलाई को गांव का युवक सुबोध कुमार अपहरण कर यूपी ले गया था। 2 दिन बाद उसने मुझसे जबरन वहां शादी कर ली। फिर 10 दिन बाद सुबोध ने बच्चू यादव नामक एक अधेड़ व्यक्ति के हाथों मुझे बेच दिया। कुछ दिन बाद बच्चू यादव उसे प्रताड़ित करने लगा। किसी तरह उसके चंगुल से वह भागकर घर पहुंची। पुलिस ने उसका बयान नवगछिया कोर्ट में दर्ज कराने के बाद मेडिकल जांच कराई है। फिलहाल लड़की पुलिस अभिरक्षा में है। बता दें कि 9 जुलाई को लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। पिता ने 11 जुलाई को बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इसी बीच 29 जुलाई को तीनटंगा कलबलिया धार के पास एक युवती की सिरकटी लाश मिली थी। पिता और अन्य परिजनों ने कपड़े के आधार पर उसकी शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में की थी। लड़की की हत्या के आरोप में 5 माह से जेल में है गांव का युवक। तीनटंगा के कलबलिया धार के पास से अज्ञात युवती की सिरकटी लाश मिलने के बाद पिता ने गांव के ही संतोष कुमार पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने 3 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। संतोष पिछले 5 माह से जेल में है। पुलिस के लिए चुनौती, धार के पास से मिली सिरकटी लाश किसकी थी? मृत घोषित लड़की के घर लौटने के बाद अब पुलिस के लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि धार के पास मिली सिरकटी लाश किसकी थी। इस संबंध में रंगरा थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले का नए सिरे से अनुसंधान होगा, पता लगाया जाएगा कि 29 जुलाई को बरामद शव किसकी थी और किसने उसकी हत्या की थी। पुलिस सुबोध व बच्चू यादव की भी तलाश कर रही है। परिजन बोले एक जैसा कद काठी होने से शव की शिनाख्त में हुई थी चूक। लड़की के परिजनों कहना है कि शव की शिनाख्त करने में चूक हुई थी। पिता ने बताया कि कलबलिया धार के पास से बरामद सिरकटी लाश लगभग 15 से 20 दिन पुरानी लग रही थी। उस शव से मेरी बेटी का कद काठी मिल रहा था। बेटी के कपड़े के रंग भी बरामद शव के कपड़ों से मेल खा रहे थे, इसलिए हमें लगा कि यह लाश मेरी बेटी की ही है। बच्चों सा वहीं का था, यूपी का ही? ज्यादा बच्चू। बच्चू ज्यादा। उसका पिता का नाम जानते हैं? श्री नाम। श्री हरिराम। श्री हरिराम। श्री उसका नाम बच्चू ज्यादा, उसका हरी श्री बोल रहे हैं। वो कहाँ का था? वहीं का ना। बोले खेदुरपुर के बोले जफरावत के। कहाँ? बोले खेदुरपुर के बोले जफरावत के। खेदुरपुर खेदुरपुर का क्या था जिससे शादी हुआ था? हाँ। फिर वो भी छोड़ दिया आपको? ना अबे मैं दुख दिया लावले मारे बग बोला लम छोड़ के भागी रे। वो क्या नाम था उसका जिससे दोबारा शादी हुआ? के बच्चू नाम का। पिता का? हरी श्री। घर उसका? खेदुरपुर में। खेदुरपुर। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पीछे की जमीन बाढ़ के समय पूर्ण रूपेण जलमग्न हो जाती है, जिससे यहां के सभी खेतों में पानी भर जाता है। यहां ना तो फसलें पैदावार हो पाती है और यहां आसपास के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। मध्य में बसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र जिसको जाने आने के लिए सिर्फ नाव का सहारा लेना पड़ता है, जिस कारण कई बार नाव दुर्घटना में कई व्यक्ति की जान चली जाती है। सरकार डूबे व्यक्ति के परिजन को आर्थिक सहायता के तौर पर 4 लाख देती है। यदि इसी पैसे का उपयोग कर एक बांध और तालाब का निर्माण करा दिया जाता है तो यहां बाढ़ से डूबने वाले व्यक्ति की जान बच जाएगी, दूसरी तरफ खेतों में पानी फैलने से बचेगा, साथ ही साथ यह मछली पालन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। आइए जानते हैं खानकित्ता पंचायत के मुखिया संजीव कुमार से कि बांध और तालाब बनने से यहां की जनता को क्या क्या लाभ मिलेगा। दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप कांड मामले को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित एक विशेष फंड की घोषणा की थी, जिसका नाम निर्भया फंड रखा था। आज जब इस फंड को संसद की मंजूरी मिलने के बाद करीब 8 साल बीत चुके हैं और भागलपुर में भी वन स्टॉप सेंटर की स्थायी तौर पर शुरुआत 2 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन सेंटर का ना नाम है और ना ही कोई पता, ऐसे में पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा। इस वजह से जिले में हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी सहायता के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वही काजों पर चल रहे वन स्टॉप सेंटर को लेकर भागलपुर के विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इसे संवेदनशील मामला करार देते हुए मुख्यमंत्री से पत्राचार किए जाने की बात कही है। के उपरांत बेबस महिलाओं के लिए 2014 में यूपीए सरकार ने 1000
करोड़ रुपया देके निर्भया सेंटर वन स्टॉप सेंटर के नाम से घोषणा किया था कि इसको पूरे देश में बनाया जाएगा। उसके बाद बिहार सरकार ने भी सभी जिलाओं के लिए सभी पदाधिकारियों को पत्र लिखा। जहाँ तक भागलपुर में मैंने पता लगाया है कि यहाँ की प्रमंडल आयुक्त ने भी जुलाई 2019 में जमीन चिन्हित के लिए लिखा गया, लेकिन आज तक जैसा सूचना मुझे है सिर्फ जमीन चिन्हित किया गया और आज तक कोई सेंटर वन स्टॉप सेंटर बनाने का काम नहीं किया गया। मतलब सरकार यूपीए सरकार 2014 में आदेश देती है और आज केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी का है और यहाँ एनडीए की सरकार बिहार में है, बेबस महिलाओं के लिए निर्भया कांड होने के बावजूद भी सचेत नहीं हुई है कि कम से कम बेबस महिलाओं के लिए सेंटर खोल के उनको राहत दिया जा सके। मैं इस संदर्भ में मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखूंगा, आज ही लिखूंगा, ताकि इस पर ध्यान दिया जाए। इन दिनों भागलपुर सहित पूरे आंध्र प्रदेश में भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी है। बावजूद इसके अब तक नगर निगम प्रशासन के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच ना तो कंबल का वितरण किया जा रहा है और ना ही रंग बसेरों में शीतलहर से बचाव को लेकर कोई व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर देर रात भागलपुर के विधायक से कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न रेन बसेराओं और स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया और इस दौरान दर्जनों जरूरतमंद लोगों के बीच विधायक के द्वारा कंबल का वितरण भी किया गया। इस दौरान विधायक ने नगर निगम प्रशासन के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए उसे लूट खसोट का अड्डा बताया। विधायक के साथ पार्षद संजय सिन्हा, पंकज सिंह, अभिजीत गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के अबजुगंज गांव में अबजुगंज मुखिया मनोरमा देवी की अध्यक्षता एवं ग्रामीण जनता के द्वारा सुल्तानगंज के विधायक प्रोफेसर ललित मंडल का माला पहनाकर स्वागत कर आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सुल्तानगंज नगर परिषद के क्षेत्र में अबजुगंज पंचायत को जोड़ने को लेकर विरोध जताया गया। वही अबजुगंज ग्राम वासियों द्वारा उच्च अधिकारी को पत्र देकर निदान करने की बात कही। इस मौके पर अबजुगंज के कुटीदार संघ, नई दुर्गा स्थान एवं पुरानी दुर्गा स्थान के सदस्य एवं अबजुगंज ग्रामीण जनता शामिल थे। ये हम लोग इस पूरे तोड़ के साथ इसका विरोध कर रहे हैं और हम सरकार से आगे मांग कर रहे हैं कि इस अबजुगंज पंचायत को। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जहांगीर गांव में जमीन पर अवैध कब्जा कर जान मारने की धमकी दिए। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जहांगीर गांव में 22 बरन जमीन पर अवैध कब्जा का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में जमीन मालिक हसरुम बेगम ने बताया कि हमारा जमीन 33 डिसमिस वार्ड 9 के जहांगीर गांव में है, जो गांव के ही भोली यादव पिता बटेश्वर यादव, उदिस यादव पिता बटेश्वर यादव, बम्बम यादव पिता भोली यादव, विकास यादव पिता उदिस यादव ने हमारे 33 डिसमिस जमीन को कल शाम में जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, तभी कहने पर मारपीट व जान मारने की धमकी दिए और अल्पसंख्यक एक घर होने के कारण इन लोगों द्वारा पराया मारपीट व गाली गलौज करते रहते हैं। इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष व अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा का गुहार लगाया है। पति का नाम इंदिरा कौनी, रहने वाली हूँ जंगीरा की, 9 नंबर वार्ड। कितना जमीन है आपका? 33 डिसमिल। क्या हुआ 33 डिसमिल जमीन को? 33 डिसमिल जमीन को वो लोग 5 आदमी हमको कल सामने धमकी दिखाने आए कि ये हमारा जमीन है, मारेंगे पीटेंगे जो भी करेंगे, ये हमारा है, कब्जा करने के लिए आए हैं। कौन लोग कब्जा किया? भोली यादव, बम्बम यादव, किशोरी, उदीश यादव, विकास जो है विकास यादव और विनोद यादव, सभी मिल के। हाँ, सभी मिल करके। कब कब्जा किया? कल सुबह। हाँ, कल शाम में 5 बजे। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था कि हम इसमें मकान बनाएंगे और इसमें जो आएगा उसको जो जिससे पानी गोली से मारेंगे, घंटा से मारेंगे, जो होगा, लेकिन हम कब्जा करेंगे। तो आपका जमीन तो रसीद है? हमारे पास में 2000 राजा राजबरेली से लेकर के अभी तक 2019 तक का हमारे पास में रसीद है। बाईजबरन करना चाहते हैं? बाईजबरन करते हैं कि हमारा जमीन, हम अल्पसंख्यक उस जगह, हम एक ही मुस्लिम हैं,
उन्हें क्रश करते रहता है। हाँ, बहुत तंग करते रहते हैं। ज्यादा भगो। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए आवेदन थाना में दिए? हाँ, थाना में दे चुके हैं आवेदन। और सीओ को दिए? सीओ को भी दे चुके हैं। क्या नाम बताया अपना? हसरून बेगम। Press the bell icon on YouTube and never miss another update.